नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं बीएच न्यूज नेटवर्क। हम इस वक्त है मेरठ के जागृति विहार में और हमारे साथ है भीम आर्मी जय भीम संगठन के सदस्य और राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह नोटियाल। और एक मुद्दा है जो कि काफ़ी गरमाया हुआ है। 21 अप्रैल को एक सड़क हादसे में पीएसी के जवान अंकित राव जाटव की मौत हुई थी और परिजनों ने आरोप लगाया था कि यह एक हत्या है। वहीं आपको बता दें कि 3 महीने हो चुके हैं लेकिन परिजनों को अभी तक न्याय नहीं मिला। और आज मंजीत सिंह नोटियाल भीम आर्मी जय भीम संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपर पुलिस महानिदेशक कार्यालय पहुँचे और वहां पर अपनी मांगे रखी और करीबन 500 समर्थकों के साथ वहां पर धरना दिया। यह आप देख सकते हैं, काफ़ी तेज़ी से बारिश पड़ती रही और समर्थक डटे रहे, जिसमें भीम आर्मी जय भीम संगठन के जिला अध्यक्ष अंकुर घाट, यह देख सकते हैं आप, लोग भीगते रहे और डटे रहे। आज के लोग बारिश में भी जिनके मोबाइलों में पानी भर गए लेकिन वो अपनी भीड़ को नहीं तोड़ पाए और वो वहीं अड़े रहे और पुलिस प्रशासन ने माना कि आपको परेशान नहीं किया जाएगा, आपकी मांगों को पूरा किया जाएगा। जानबूझकर ये बताया जा रहा है कि जानबूझकर एक्सीडेंट के द्वारा उनको जो है ना मृत्यु उनको मारा गया, तो उसी संबंध में पीड़ित परिवार कहीं काफ़ी दिन से न्याय की गुहार लगा रहा था कि हमें न्याय नहीं मिल रहा है। तो भीम आर्मी जय भीम संगठन के लोगों को पता लगा कि एक परिवार है हमारा और जो न्याय के लिए वो तड़प रहा है, तो हमें सब लोग जिलाध्यक्ष जी हमारे मौजूद हैं, अंकुर घाट जी और मोहित भाई हैं, सब लोग जिम्मेदार हैं और हमारे बहुत सीनियर नेता भी खड़े हैं। तो हमने इस प्रकरण को गंभीरता से लेकर आज एडीजी जो मेरठ हैं जो उनके कार्यालय पर आंदोलन की घोषणा की थी और आंदोलन काफ़ी सफल रहा और जो एडीजी जो मेरठ हैं हमारे उनसे वार्ता हुई, तो आज सभी मुद्दों पर चर्चा हुई और एडीजी जो मेरठ हैं वो एक हमें आज मिलकर उनसे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने जिस प्रकार से पीड़ित परिवार से मिले और सभी पॉइंटों पर पॉइंट टू पॉइंट चर्चा हुई और मेरठ से लेकर लखनऊ तक उन्होंने हमारे सामने सभी अधिकारियों को अवगत कराया, अपने सीनियर अधिकारियों को भी कराया कि आखिर अब तक परिवार को न्याय क्यों नहीं मिला है, ये अब तक उनको मृतक आश्रित में नौकरी क्यों नहीं मिली है, अभी उनको जो इलेक्शन कमीशन की ओर से जो मुआवजा मिलना था वो नहीं मिला है और जो बटालियन की तरफ से जो जिस बटालियन में अंकित राव थे उस बटालियन से जो उनको मुआवजा मिलना था वो भी नहीं मिला है। लेकिन अभी उन्होंने कहा है कि 8 दिन के अंदर अंदर एडीजी महोदय ने आश्वासन दिया है कि मुझे सारी चीज़ें ऑन द स्पॉट चाहिए और सारा मुआवजा जो है ना 8 दिन के अंदर आ जाना चाहिए और जो मृतक आश्रित में जो नौकरी मिलनी है तो उस परिवार को 8 दिन के अंदर अंदर वो नौकरी मिलेगी। तो हमें ऐसा लगता है कि शायद 8 दिन के अंदर न्याय होगा, अगर न्याय नहीं होता तो फिर हम मेरठ में बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में। जो मांगे रखी वह मांगे 8 दिन का समय दिया है और 8 दिन में यदि मांगे नहीं मानी गई, मांगे पूरी नहीं हुई, तो एक बड़ा आंदोलन की चेतावनी दी गई है मंजीत जी की तरफ से। और जो अभी ये बच्ची वाला मामला सुर्खियों में आया था उसमें भी आप आए थे। जी देखिए, हमने जितने भी हमारे ज़िले के यहाँ जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे वार्ता हुई थी और हमने कहा था कि जो प्रेजेंट में यहाँ के जो सीएमओ हैं मेरठ सीएमओ, उन्होंने बड़ी धांधली की है इस मामले में और एक बच्ची को जिस प्रकार से मारा गया चाकू से घोप कर, तो सीएमओ ने डायरेक्ट ये लिख दिया उसमें कि इसको तो कुत्ते ने नोचा है। अब ये इतनी बड़ी लापरवाही और सत्ता के दबाव में ये ठीक नहीं है, तो ऐसे अधिकारियों की कुर्सी पर आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोग जो है ना हम लोग प्यार से बात कर रहे हैं अधिकारों से तो इसका मतलब हम यह नहीं है कि हम कमज़ोर हैं किसी तरह से, सरकार वरकार को हम नहीं मानते हैं, हम मानते हैं संविधान को। तो शायद अधिकारियों को पता लगा, बहुत सारे अधिकारियों ने इस मामले को संज्ञान में लिया है और दोबारा से आज उस बच्ची का पीएम हो रहा है, तो पीएम के आधार पर मुझे लगता है कि उसमें भी बहुत जल्दी न्याय होगा और उसमें अगर न्याय नहीं होगा तो फिर हम लोग बड़े आंदोलन में, यहाँ बहुत सारी घटनाएं हैं, इन सभी घटनाओं को लेकर एक बार मेरठ में बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। जी देखिए, मंजीत जी ने बताया कि एक बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है और मंजीत जी इससे पहले भी बहुत सारे इस तरीके के जो मामले हैं, जो इंसाफ नहीं मिल रहा था वहाँ पर बड़े आंदोलन किए और उसमें कामयाबी हासिल की। और हमारे साथ है अंकुर घाट जो कि जिलाध्यक्ष है, उनसे बात करेंगे कि आपने इतनी सारी जो ये हम देख रहे हैं समर्थक, और काफ़ी समर्थक थे, करीबन 500 की संख्या में लगभग थे समर्थक और चले गए कुछ, क्योंकि बारिश पड़ रही थी, तो आपने इनको जुटाया, आप भी मतलब काफ़ी मेहनत करते हैं, संघर्षशील है, तो जो आज यहाँ पर प्रदर्शन किया, क्या लगता है आपको उससे? देखिए, प्रशासन ने आश्वासन दिया है और जो हमारे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह नोटियाल, आपकी अभी उनसे बात हुई है और आश्वासन दिया है 8 दिन का, अगर 8 दिन बाद मतलब 8 दिन बाद अगर न्याय नहीं मिलता है तो बहुत जल्द महापंचायत की तैयारी होगी। हाँ, आज तो मैं 500 लोग लेकर पहुँचा हूँ और अगर ये सरकार और प्रशासन भ्रम में है तो ध्यान रखना,
500 की जगह 500 हजार होंगे जी। देखिए बहुत ज़्यादा साहस है समाज के अंदर, जोश है, उत्साह है, क्योंकि आज जागरूकता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इसी को देखते हुए जो बड़े आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है, शायद उससे पहले यदि इंसाफ मिल जाएगा तो ये नौबत नहीं आएगी। तो आप देख रहे थे BH News Network, मैं उमेश करुणा, जय भीम, धन्यवाद।